वेलकम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी ट्रिक नंबर 11। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी दिया हुआ नंबर 41 पे डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए जो हमारे पास ट्रिक है, सबसे पहले हम इसके इकाई का अंक लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी बचे नंबर में से माइनस कर देंगे रिजल्ट को। जैसे जहाँ पर इकाई का अंक 9 है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36, बाकी बचे नंबर में से माइनस किया, हमें प्राप्त हुआ 1, 4। 41 पे डिविजिबल है, मतलब 41 पे डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर 41 पे डिविजिबल है। फ्रेंड, अगर आपको इसी प्रोसेस को सिंपल तरीके से डिवाइड करते तो आपको काफ़ी समय लग सकता था, लेकिन इस प्रोसेस के साथ थोड़ी सी भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो किसी भी नंबर को आप 41 पे या किसी और नंबर पे, जो भी हमारी वीडियोज चल रही हैं, उसको डिविजिबिलिटी चेक करने का जो तरीका है बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो हमारे पास नंबर है 2173, डिविजिबिलिटी चेक करनी है 41 पे। इकाई का अंक लेते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 चौका 12, बाकी बचे नंबर के बीच में से माइनस करेंगे, 7 में 2 गए 5, 0, 2, नंबर थोड़ा बड़ा है। फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं, इकाई का अंक 4 से मल्टीप्लाई 20, माइनस किया 0, 0 41 पे डिविजिबल है, इसलिए दिया हुआ नंबर 41 पे डिविजिबल है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो नंबर है 2351, डिविजिबिलिटी चेक करनी है 41 पे। इकाई का अंक लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आया, बाकी बचे नंबर में से माइनस, हमें प्राप्त हुआ 231। इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, इकाई का अंक 4 से मल्टीप्लाई 4, माइनस करेंगे, हमें प्राप्त होता है 19। अब 19 है जो 41 पे डिविजिबल नहीं है, इसलिए दिया हुआ नंबर 41 पे डिविजिबल नहीं है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।